कहीं जगह तो कवियों को भी नहीं मिलते, श्रोताओं को भी लिफाफे करवाए हैं। आप लोग बैठ जाइए, जो व्यवस्था में खड़े हैं वो लोग भी बैठ जाए। मुझे आदेश हुआ है राजेश चेतन जी का, और महत्वपूर्ण मंच है। महेश बेधड़क जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, संचालन राजेश चेतन जी, अनिल भाई बैठे हैं, बलजीत कौर जी आइए। मुझे आदेश हुआ है, मैं एक संकेत किया उन्होंने कि मैं बुलडोजर बाबा की प्रदेश से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। लेकिन एक मेरा आज एक एक, एक महत्वपूर्ण रचना सुनाने का मन है, वो रचना सुना दूंगा। गंगा अवतरण आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो ये संकट नहीं है कि हिंदी को समझने वाले लोग नहीं होंगे। मैं बहुधा नहीं सुनाता हूँ इस रचना को, लेकिन आज मैं सुनाता हूँ। और इसकी भूमिका भी ब्रिटेन में ही बनी। जब मैं वहां था तो उसके बाद मुझे लौटने के बाद बेटी की शादी करनी थी। एक तो ये भी कारण था इस कविता का, उसकी माँ कहती थी कि तुमने लाड़ प्यार में इसे बिगाड़ रखा है, सर पे चढ़ा रखा है, इसे इसे दूसरे घर भी जाना है। यहाँ ये वाक्य मेरे दिमाग में घूमता था सुब्रतेन की यात्रा में। मेरी कविता का शीर्षक गंगा अवतरण। दूसरा, जब मैं वहां गया, हम कुछ उपहार लेकर के गए अपने प्रवासी भारतीयों के लिए, भाइयों के लिए, तो उन्होंने कहा आप ऐसे जनपद से आए, मेरा मूल जनपद हापुड़ है, तो जिसके इधर गाजियाबाद पार करो तो ये आपके दिल्ली यमुना आ जाती है और उधर गंगा बहती है। तो उन्होंने कहा कि आप गंगा जल ले आते, हमारा बहुत दिनों तक जाना नहीं होता वहां, तो ये उपहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। ये दोनों कड़ी मैंने जोड़ी तो मेरी एक कविता भी गंगा होता है। छोटी सी कविता बाबा बुलडोजर वाली को सुना दूंगा, आप थोड़ी देर मन बना करके बैठिएगा। ये कविता उस जमीन से मैंने वहां से लिखी और वहां से ये कविता विदेश में मैंने लिखी, तो बहुत मन मिला, आपका भी मन मिलेगा मुझे। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल ऋषि के शाप से शापित होकर के भस्म हो गए और फिर गंगा को भूतल पर लाना अनिवार्य हो गया। एक दृश्य, एक बिंब गंगा चरण का आपके सामने रखता हूं, यहीं से मेरी स्वागत स्वागत। कर नमन ऋषि को चले सगर तप ज्वाला में, तप जाने को पुत्रों का शाप मिटाने को, भूतल पर गंगा लाने को। फिर अंशुमान राजा दिलीप तप करते हुए अतीत हुए, दिन महाबरस बीते अगणित युग पर युग कई अतीत हुए, जिस पर थी सफल सिद्धि अंकित, यह धारा उस पथ तक पहुंची, इच्छाक वंश की परंपरा एक रोज भली पथ तक पहुंची। इच्छाक तालियां बजाएं तो फिर सामूहिक तालियां, अच्छी कविताएं बच्चों के लिए आजकल तो हमने अच्छी कविताओं पर समर्थन देना बंद कर दिया। इच्छाक वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची, तब मग्न हुए वे महातपी को कर्ण तीर्थ में जाकर के, वे सूर्य वंश हो गया धन्य उस धर्म रथी को पा करके, तब देख महाभीषण कठोर मानव देवासुर सन्न हुए, उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए। अनुकूल समय पर साधक ने विधि से यथेष्ट वरदान लिया, जब हित में भाग्य विधाता ने यह पुण्य निवेदन मान लिया, फिर कहा समस्या एक बड़ी, इसका हल कौन निकालेगा, इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा, देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा। गंगा जब निकल कमंडल से धरती के तल पर जाएगी, इसकी धारा के गिरते ही धरती निश्चित फट जाएगी, ना रोग धरा तल पाएगा, इस प्रलयंकर गंगा जल को पल भर में गंगा जाएगी, भूतल को भेद रसा तल को। इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो, इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो, हे वत्स भगीरथ दोबारा अपने तप का संधान करो। तो हो समाधिस्थ भागीरथ ने फिर शिव शंकर का ध्यान किया, गुंजित कर हर हर महादेव विश्वेश्वर का आह्वान किया, टूटी समाधि तो शूल पानी अंबिका नाथ ने द्रव खोले, वो आसु तो सब गढ़ दानी मृत्युंजय महाकाल हो गया। क्या बात है, क्या बात है, वाह, टूटी समाधि, क्या कह रहे, शूल पानी अंबिका नाथ ने द्रव खोले, वो आसु तो सब गढ़ दानी मृत्युंजय महाकाल बोले, हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो, तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो, कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ, हे जगतपति, हे वीरभद्र विष्णु वल्लभ घटघटवासी कैलाशपति, हे कृपानिधे करुणानिधानिधि विनती स्वीकार करो, माता का वेग संभालो, प्रभु गंगा को अपने की। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, अर्जुन भाई कमाल कर दिया, वाह।
बड़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले हैं अंशुमान के अंश उठो, क्या है अनिष्ट अपना बोलो, तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो। करजोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ, हे जगतपति, हे वीरभद्र, विष्णु वल्लभ, घटघटवासी, कैलाशपति, हे कृपा निधे, करुणा निधान, इतनी विनती स्वीकार करो, माता का वेग संभालो प्रभु, गंगा को अपने शीश धरो। देखा होगा आपने भगवान शिव का, दो भुजा उनकी उठी हुई है और माँ गंगा उतर रही है उनकी शीश पर। तो फिर जटा खोल कर शंकर ने निज पर भूतल पर जमा लिए, गंगा के आवाहन के ही दोनों कर नगमे उठा दिए। ब्रह्मा ने कहा भगीरथ से, मैं छोड़ रहा हूँ गंगा को, नभ से भूतल की ओर सुनो, मैं मोड़ रहा हूँ गंगा को, कह दो प्रलयं कर शंकर से, आवेग संभाले गंगा का, भूतल को भेद न जाए कहीं, मैं वेग संभाले गंगा का। क्या कहने के छोट कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा, ब्रह्मा के छोट कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा। दिग्मंडल सारा कांप उठा, हो उथल पुथल भूगोल उठा, भूपर दिग्गज चिंगार उठे, नभ में इंद्रासन डोल उठा, भीषण कमरव से लगता था कुछ शेष नहीं रह पाएगा, भीषण कमरव से लगता था कुछ शेष नहीं रह जाएगा, मां गंगा के क्रोधा नल में भूतल सारा बह जाएगा, ऐसा लगता हर ओर सुनो यह प्रलय मचा देगी गंगा, अपनी भीषण दम धारा में तीनों लोग डुबा देगी। हे भोले शंकर क्या होगा, हे वेग भयंकर गंगा का, बोलो अभयंकर क्या होगा, हे वेग भयंकर गंगा का, बोलो अभयंकर क्या होगा। तो शिव शंकर मुस्का कर बोले, इतराने दो उठलाने, यहां से अर्जुन सिसोदिया की मौलिक कल्पना शुरू होती है, बोले भावना शुरू होती है। मेरे दामाद भी यहाँ बैठे हैं, बिटिया जिनको गई मोहित शौर्य, शिव शंकर और मेरी बहू बेटी ये बैठी है श्वेता, सौंपता हूँ। शिव शंकर मुस्काकर बोले, और पवन दिया सारे पिता जो बैठे हैं उनको सौंपता, सारी बेटियां कमाल की बनती है, कमाल की। शिव शंकर मुस्काकर बोले, इतराने दो इछलाने दो, शिव शंकर मुस्काकर बोले, इतराने दो इछलाने दो, आई है मिलने को पुत्री, लहराने दो बलखाने दो, अधिकार पिता पर होता है इसलिए ठुमकती है बेटी, घर छोड़ पिता का जाती है फिर कहां मटकती है बेटी, फिरनी सी कहां उछलती है, कलियों सी कहां महकती है, बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती है। अधिकार पिता पर होता है इसलिए मटकती है बेटी, घर छोड़ पिता का जाती है फिर कहां ठुमकती है बेटी, हिरनी सी कहां उछलती है, कलियों सी कहां महकती है, बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती है। पंक्ति पर भरपूर स्नेह आपका मिले, बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती है, चढ़ती है शीश पिता के तो, चढ़ती है शीश पिता के तो, सारी पीड़ा कर लेती है, बेटी खुद गंगा होती है, घर को पावन कर देती है। तो मन की पीड़ा हर लेती है, बेटी खुद गंगा होती है, घर को पावन कर देती है। बोले आओ आओ पुत्री, चढ़ करके मेरे सर खेलो, देकर मुझको बचपन का सुख, मेरी सब बेचैनी ले लो, दो भुजा उठी देखी नभ में, मुख पर कुछ आभा बिखर गई, शंकर की शांत जटाओं में लहरा कर गंगा उतर गई, अनुराग पिता से बहुत मिला गंगा ने की कुछ अटखेली, अनुराग पिता से बहुत मिला गंगा ने की कुछ अटखेली, शंकर की घनी चटाओं में वह ठुमक ठुमक करके खेली, भूतल पर विचरण करने को हिरनी सी मचल पड़ी गंगा, फिर आपकी तालियों को आमंत्रित करता हूँ, भूतल पर विचरण करने को हिरनी सी मचल पड़ी गंगा, शिव के मस्तक से हिल गिर के कांधे पर उछल पड़ी गंगा, कांधे पर उछल पड़ी गंगा, फिर
दिया पर्वत प्रदेश उत्तरी मैदानों में नीचे, फिर छोड़ दिया पर्वत प्रदेश उत्तरी मैदानों में नीचे, अमृत जल से सींची धरती चल स्वयं भगीरथ के पीछे, जो भी गंगा के तट आया माने उसका उद्धार किया, जो भी गंगा के तट आया माने उसका उद्धार किया, गंगा का और भगीरथ का सबने ही जय जयकार किया, माँ के ऋण कौन चुका सकता, इसके हम पर उपकार बहुत, हम आभारी हैं गंगा के, हम पर गंगा का प्यार बहुत, संस्कृति की अमर ध्वजा गंगा, पहचान हमारी गंगा है, भारत की जीवन धारा है, यह प्राण हमारी गंगा है, हम स्वच्छ रखें माँ गंगा को, अमृत जल का चमन करें इस मोक्ष दायिनी गंगा को, आओ हम पूजी जाती घर घर गंगे, धारा यह सत्य सनातन की पूजी जाती घर घर गंगे, आओ हम सब मिलकर बोलें हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हाँ जी बहुत सर। देखिए मैं इस संस्था का संरक्षक हूँ,